हेलो फ्रेंड्स, सेविज आर्ट ऑफ होम कुकिंग में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकॉन सो नई रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे। आज मैं आपके लिए एकदम नए टाइप की सब्ज़ी लेके आई हूँ, जो कि राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्ज़ी है और ऑलमोस्ट हर घर में ये सब्ज़ी सीजन में बनती है, जो कि खाने में एकदम ही टेस्टी लगती है। अगर आप एक बार बनाओगे तो ज़रूर से दोबारा बनाने का मन करेगा आपको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। काचरे की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अराउंड 500 ग्राम जितना काचरा लिया हुआ है। इसको मैंने अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धो लिया है। काचरे को मैंने धोने के बाद यहाँ पे 4 पीसेस में कट कर लिया है। छिलका मैंने नहीं निकाला है, छिलके के साथ ही 4 पीसेस में कट कर दिया है। जब आप काचरे को कट करो तो उसमें ध्यान रखो कि आप उसका थोड़ा टेस्ट कर लो भी, क्योंकि काफ़ी बार काचरा जो है वो कड़वा भी होता है, तो आपकी पूरी सब्ज़ी बिगड़ सकती है। मैंने काचरे के जो पीसेस किए हुए हैं इसी में मैं अभी मसाला ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 3/4 टीस्पून जितना इसमें मैं धनिया जीरा पाउडर अभी ऐड कर रही हूँ। टू एंड हाफ टी स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। इसमें मैं अभी 3/4 टीस्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। बाद में ये सारे मसाले को हम काचर में अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी सभी जगह मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे। इस तरह से मसाले ऊपर से डालने से मसाले जो है काचरे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और टेस्ट है वो एकदम बहुत ही बढ़िया आएगा हमारा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2.5 बड़े चम्मच तेल डाला हुआ है। तेल गर्म हो जाए बाद में यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितना होल जीरा डाल रही हूँ। इसके चटकने तक हम उसका वेट करेंगे। जीरा हमारा पूरा चटक जाए अच्छे से। बाद में मैं यहाँ पे गैस जो है वो बंद कर रही हूँ, ताकि काचरी डालते टाइम हमें तेल के छींटे या कुछ लगे नहीं। यहाँ पे मैंने अभी तेल में सभी काचरे के पीसेस डाल दिए हैं। अभी हम गैस को ऑन कर देंगे और जो फ्लेम है उसको मैंने एकदम लो रखा हुआ है, और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी तेल जीरा जो है वो हमारा सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हमारे सारे मसाले तेल वगैरह में अच्छे से काचरे में मिक्स हो गए हैं। इसमें मैं अभी 1/2 ग्लास जितना अराउंड 100 ml जितना पानी ऐड कर रही हूँ, और बाद में इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ढक्कन ढक के। 5 मिनट हम उसको कुक होने देंगे। 5 से 7 मिनट जैसा हो चुका है, अभी हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। तो छिलका अभी भी थोड़ा कच्चा लग रहा है, यानी वापस से मैं इसमें अराउंड 50 से 100 ml यानी 1 कप जितना पानी वापस से ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूंगी ढक्कन ढक के। वापस से स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर और कुक होने देंगे। अभी 10 मिनट होने आया है। अभी ढक्कन हटा के हम देख लेंगे कि हमारी सब्ज़ी हुई कि नहीं। आप देख रहे हो छिलके वगैरह अच्छे से मिक्स हो गया है, यानी मेल्ट हो चुका है। अभी कुक होना बाकी नहीं है, बहुत अच्छे से हमारी सब्ज़ी कुक हो चुकी है। आप देख रहे हो काचरे की सब्ज़ी एकदम देखने में टेस्टी और एकदम यम लग रही है। काचरी खाने में भी बहुत बेनिफिशियल है, काफ़ी गुणों से भरी हुई है। काचरे की सब्ज़ी खाने में खट्टी लगती है थोड़ी, यानी छोटे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। ये नए टाइप की सब्ज़ी आप घर पे ज़रूर बनाइए, और आपको और आपके फैमिली को कैसी लगी ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।